फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप सभी को मालूम है आपके एडमिट कार्ड भी शायद आज आ जाएंगे और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल है आप लोगों के लिए। इसके लिए छोटा सा हम आपको संदेश देना चाहेंगे। ये जो टाइम है अभी एग्ज़ाम तक का, इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, बहुत से तैयारी कर चुके होंगे, कैसा होगा पेपर, कैसा नहीं होगा पेपर, होगा नहीं होगा, बहुत सारी धारणाएँ अभी आपके मन में हैं। देखो, ये बहुत ही कम टाइम है आपके लिए, इसी टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो। हो सकता है आपकी आगे की पूरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाए या फिर आप पीछे रह जाओ, तो आप जितनी भी आप में एनर्जी है कम्प्लीटली आप इसी की तरफ डाइवर्ट कर दो, केवल एग्ज़ाम के लिए। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ो, जो भी आपके मन में चीज़ें, या कोई आपको भ्रमित कर रहा है, कोई आपको ये टॉपिक नहीं किया तूने, वो नहीं किया, आपने जो भी कुछ अभी तक किया हुआ है केवल उसी पे फोकस करें। कोई नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको कि आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने लग गए। जितना पढ़ा हुआ उतना पढ़ें, बिल्कुल हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि घबरा रहे हैं कि पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। आप केवल अपने लिए पढ़ो, खुद के लिए। एग्ज़ाम में सभी इंडिविजुअल देंगे एग्ज़ाम, कोई दूसरे तो आपको देने के लिए आएगा नहीं, तो आपको खुद की तैयारी रखनी है, खुद के लिए आपको बेस्ट करना है कि आप एग्ज़ाम दो तो आपको कभी ये फील ना हो कि मैंने मेरा बेस्ट नहीं किया। तो इसके लिए आपको यही करना है। अब जितने भी टाइम बच रहा है आपके पास, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, तो आपको पूरी मेहनत से इसमें लगे रहना है, और यही मेरी कामना है कि आप इसके अंदर सक्सेस हो पाएँ। और आगे आपको रशीद सर कुछ बताएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखो, आपको चौहान सर ने बता ही दिए कुछ बातें कि भाई आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो, हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया था, हम भी जब जयपुर एग्ज़ाम देने गए थे तो वहाँ बसों में इतनी भीड़ नज़र आती थी, तो हमको ऐसा लगता था यार पता नहीं हमारा तो कैसे सिलेक्शन होगा इतनी, तो वो सच में ही भीड़ है। आपके 40,000 फॉर्म भरे हैं तो यूँ लगा लो कि 30,000-35,000 भीड़ है, आपका कंपटीशन 3,000-4,000 लोगों से है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितना आपने पढ़ रखा है उसको बार बार बेस्ट से बेस्ट आप रिवीजन करते रहिए, और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना आपको ऐसा लगता है यार मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो डेफिनेटली आप बैठोगे वहाँ, रिलैक्स मूड से जाइएगा, और फिर चीज़ें आपको अपने आप जो चीज़ें समझ, क्योंकि आपने जो पढ़ा है 3-4 साल में उसको भूल नहीं सकते, लेकिन जब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए थोड़ी सी घबराहट होती है, उस कारण ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम देने जिस दिन जा रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल एग्ज़ाम में कूल माइंड होना चाहिए, तो घर वालों से पैसे वैसे मांग लें जो अभी मांग लेना, क्योंकि तुम उस टाइम लड़ाई करके घर वालों से जाओ कि मेरे को तो 1,000 रुपये चाहिए थे, घर वालों ने 500 रुपये दिए, तो इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों पर आपको कूल माइंड जाना, कई बार बेवजह आप अपसेट हो जाते हो और फिर वहाँ आपको चीज़ें दिक्कत आती हैं, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपको एग्ज़ाम, और कल मौसम सर ने आपको बता ही दिया होगा कि लगभग एग्ज़ाम किस तरह से आपको अटेंड करना है, ठीक है ना। पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में वो क्वेश्चंस करने हैं आपको जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो, फिर धीरे दोबारा जाएं एक बार काउंट करके, और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो 120 में से 120 क्वेश्चंस आपको करने। पिछले जो 2-3 एग्ज़ाम उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, फिर भी एक बार आप ऊपर नोटिस ज़रूर पढ़ लेंगे, कहीं उसमें बाय द वे कोई लिख रहा होगा भाई 1/4 अंक नेगेटिव है, तो एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, अगर वहाँ लिख रहा है सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ नहीं लिख रहा है, तो इसका मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 120 में से 120 क्वेश्चंस कर आने हैं बाकी। और आपको अभी जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है तो डेली 1-2 दिन छोड़ के आपको ये मोटिवेशनल लेक्चर हम देते रहेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, जहाँ तक नॉन टेक में राजस्थान जीके का सवाल है, तो कल मैंने आपको एक वीडियो डाला था, उसमें तीनों सब्जेक्ट्स के लगभग 15-15 मिनट का टाइम हमने लिया था, और उसमें प्रत्येक टॉपिक से अब हमने सीधा उसमें ये टारगेट किया था कि भाई कौन से टॉपिक में कहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने बताया भी था, कई ज़्यादा जितने भी टॉपिक्स थे वहाँ से सीधे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और अब एट ए टाइम ज़्यादा टाइम नहीं है, तो पूरा पढ़ने के बजाय आप उस कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें जो मैंने उसमें बताया था। बाकी थोड़ा स्तरीय जीके आता है, इसमें काफ़ी अच्छा स्तर रहता है एग्ज़ाम्स का, तो और काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल से हमने पढ़ी हैं सारी चीज़ें, तो कोई बड़ी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आपको जो पढ़ाया है, जो नोट्स वगैरह आपके पास हैं, उसी को कंटिन्यू आप करते रहिएगा, ज़्यादा आपको इधर उधर उलझने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आगे सर,
एक बात और है, देखो कुछ लोग घुर्मी पढ़ रहे हैं, कुछ आर आगोर पढ़ रहे हैं, बीएस मूर्ति पढ़ रहे हैं, यूथ पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ रहे हैं। आप इतनी सारी बुक्स को पढ़ोगे तो इन बुक्स में गुप्ता में थोड़ी कम एरर है, बाकी सब में बहुत ज़्यादा एरर है, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो जिनके पास हमारी वाली बुक है वो एक बुक आप लगा लो, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी तो आपको एग्ज़ाम के बाद चीज़ें समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हमने सब में से बहुत अच्छा कंटेंट ले रखा है। आप 100% करने की मत सोचो, जो आपको आ रहा है उसको बेस्ट कर लो आप, क्योंकि 100% आप सोचते हो यार ये, क्योंकि क्वेश्चन कुछ तो गलत होते ही है ना। तो आपको जो है जितना आपको आ रहा है, अपनी जो बुक है दोनों, उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, आई थिंक आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। एक मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम हॉल की जो स्ट्रेटजी है, एग्ज़ाम हॉल के लिए ही प्रॉपर, उसके लिए छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 2-3 मिनट का, वो आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम चाहे कितनी तैयारी करें पूरी साल भर, बस वो 2 घंटे हमारे लिए मस्ट हैं। तो आप उसको ज़रूर देखें, वो मैं केवल आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, कहां पर हम गलतियां करते हैं, कैसे हम नहीं सिलेक्शन हो पाता है हमारा, कहां हमसे चूक होती है, तो वो आप एक बार ज़रूर देखें, तो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। तो 2-3 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा, आप ज़रूर देखें उसे। हाँ देखिए, पेपर सोल को लेकर के मैंने जो वो कल जो तीनों सब्जेक्ट्स का एक कंबाइंड वीडियो डाला था, उसके एंड में 5-7 मिनट का एक थोड़ा पेपर के सोल के करने के तरीके से, उसमें 5-7 मिनट का एक छोटा सा कंटेंट ऐड है उसी में, तो आप उसको थोड़ा सा देखें, उससे भी हो सकता है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसमें पेपर को किस प्रकार से आपको ओवरऑल सोल्व करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा उसी वीडियो के लास्ट में 5-7 मिनट का कंटेंट जुड़ा हुआ है। थैंक यू।